नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों, यदि आप धान की फसल का उत्पादन कर रहे हैं तो किसान भाइयों यह वीडियो आपके काफ़ी काम की होने वाली है। जी हां किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी खरपतवार नाशक के बारे में जो हमारी धान की फसल पर न केवल सकरी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करती है बल्कि इसके साथ साथ चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को भी काफ़ी अच्छे से नियंत्रित कर लेती है। जी हां किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे धनुका कंपनी की क्रेज खरपतवार नाशक के बारे में। बात करेंगे इसके टेक्निकल पर, कब और कैसे इसका छिड़काव करना चाहिए, कौन सी फसलों पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, क्या इसका डोज है, कब कैसे और किस तरीके से हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। जी हां किसान भाइयों, तो किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात करते हैं इसके टेक्निकल के बारे में। तो जो इसमें हमें टेक्निकल देखने को मिलता है वो है प्रेटिला क्लोर, जो कि 50% ईसी यानी कि एमल्सीफाइबल कंसनट्रेशन फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। किसान भाइयों, धनुका कंपनी का जो क्रेज खरपतवार नाशक है यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक है जो कि एक साथ काफ़ी सारे खरपतवारों को नियंत्रित कर लेता है, कहना चाहिए सकरी पत्ती के खरपतवारों को भी और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को भी। किसान भाइयों, बात करते हैं कौन सी फसलों पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो धनुका द्वारा जो रिकमेंडेड क्रॉप है किसान भाइयों, धान की फसल पर ही आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप धान की फसल पर इसका छिड़काव करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, और बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो 500 ml प्रति एकड़ की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको ध्यान में ज़रूर ये रखना है, जब भी आप दवा का परचेज कर रहे हैं तो आपको सप्लायर से या दुकानदार से इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना है। बात करते हैं कब और कैसे इसका छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब भी आप इसका छिड़काव कर रहे हैं तो इसके छिड़काव से पहले फील्ड में यानी कि खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर को पानी की मात्रा बना के रखें, और जब हम रोपाई करते हैं यानी कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद धान की फसल पर ट्रांसप्लांटेशन के 4 दिन बाद आप इसका यदि छिड़काव करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। किसान भाइयों, यह एक प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक है यानी कि यदि आप इसका छिड़काव खरपतवार के उगने से पहले करते हैं तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको आपकी धान की फसल पर देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, यह लंबे समय तक खरपतवारों को नियंत्रित करता है और इसके साथ साथ यह हमारी जो धान की फसल है इसके लिए बिल्कुल भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा सेफ हर्बिसाइड है हमारी राइस की फसल के लिए माना जाता है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, यह दोनों प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित कर लेता है, सकरी पत्ती के साथ साथ चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को यह नियंत्रित कर लेता है। ध्यान में ज़रूर ये रखना है आपको कि जब भी आप पौधे का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं यानी कि जब अपन नर्सरी से उखाड़ के जब अपन धान की रोपाई करते हैं उसके 4 दिन बाद ही और खरपतवारों के निकलने के पहले ही आप इसका छिड़काव करें तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको इसका डोज जो बताया 500 ml प्रति एकड़, इसको आप तभी छिड़काव करें जब आप एक बार सप्लायर यानी दुकानदार से एक बार इसके बारे में कंसल्ट कर लें। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।